नमस्कार, ये अजवाइन है और इसका ज़्यादातर हम इस्तेमाल मसाले के रूप में सब्जी के अंदर इसका इस्तेमाल किया करते हैं, मगर इसके अंदर बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका पता हो तो आपकी बहुत सी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है, और ये हर घर में रसोई में पाया जाने वाला सामान है। इसको कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में अजवायन ना मिलता हो। बस उनको तरीका पता होना चाहिए किस बीमारी को ठीक करने में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे उस बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाए। इसकी तासीर बता देता हूँ, इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी मात्रा बता देता हूँ, इसकी मात्रा होती है 1 से 3 ग्राम, लगभग मान के चलिए चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक सुबह शाम दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका बता देता हूँ, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसको पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको काढ़े के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको हिम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोई मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लें और उसके ऊपर ढक्कन ढक सके, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, आपने चौथाई चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन डाल के 1 कप पानी डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें। सुबह उसको खाली पेट उस पानी को छान के पीने से बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी हो जाती है, वो गर्म तासीर नहीं रहती और वो नुकसान भी नहीं करती है। उसे पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर हम उचित मात्रा में अगर हमेशा लें तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये हमें पेट में गर्मी व अन्य नुकसान पहुँचा सकती है। इसका इस्तेमाल उचित मात्रा में करने से कभी इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। इसको कितने समय हम इस्तेमाल करें कि हमारी बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बीमारी कितनी पुरानी है या उसकी स्टेज कौन सी है, उस पर निर्धारित होता है। फिर भी मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, अगर आपकी बीमारी 1 साल पुरानी है तो इसका 1 महीने इस्तेमाल करके छोड़ दें। अब इसके बाद अगर आपकी बीमारी 3 से 6 साल पुरानी है तो इसका इस्तेमाल 3 से 6 महीने करके आप इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। इतने दिनों में आपको आपकी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। जिन लोगों को गले में, छाती में जलन होती है, एसिडिटी बनती है, जिसे हम अमल पित्त के नाम से जानते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि जीरा लेके 20 ग्राम उसको तवे पे या किसी कढ़ाई में भून के रख लें, और अजवैन 20 ग्राम लेके दोनों को पीस के पाउडर बना लें। जब वो पाउडर बन जाए, मिला के चौथाई चम्मच सुबह चौथाई चम्मच शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले ताजे पानी के साथ लेना शुरू कर दे। एक दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करने से बार बार बनने वाला अम्ल पित्त, जिसे हम एसिडिटी तेजाब बोलते हैं, उसकी शिकायत दूर हो जाती है। जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं और बच्चे को पूरा दूध नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनके शरीर का पोषण नहीं हो पा रहा, ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा 50 ग्राम जीरा लेके उसको भून के रख लें और उसमें 50 ग्राम अजवैन मिला के दोनों को पीस के पाउडर बना लें। चौथाई चम्मच पाउडर सुबह चौथाई चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना शुरू कर दें। 2 से 3 दिन में ही दूध पूरी मात्रा में बनने लग जाएगा और बच्चे का, जो बच्चा दूध पिएगा, उसका पाचन भी अच्छे से होगा और उसके शरीर का विकास भी अच्छे से होने लग जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को बार बार गुर्दे में, मूत्र नली में, मूत्राशय में पथरी बनती रहती है। ऐसे लोग अगर अजवैन चौथाई चम्मच से आधा चम्मच पाउडर लेके किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के और उसमें 1 कप पानी डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें, रात को भिगो के छोड़ दें, सुबह उठें ढक्कन हटा के और उस पानी को छान के सुबह खाली पेट उस पानी को लेना शुरू कर दें,
अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से बार बार गुर्दे में बनने वाली पथरी की शिकायत से उनको छुटकारा मिल जाता है। जो लोग पेट के पाचन की समस्या से परेशान है, आजकल ज़्यादातर लोग गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण पेट के पाचन से परेशान रहते हैं। ऐसे लोग अगर 50 ग्राम अजवाइन लें और उसमें 25 ग्राम सेंधा नमक मिला के पीस के पाउडर बना के रख लें, जब भी खाना खाएं उसके बाद चौथाई चम्मच गुनगुने पानी के साथ आधे घंटे बाद वो ले लें। ऐसा करने से उनके खाने का पाचन भी जल्दी हो जाएगा और उनका पाचन तंत्र भी अच्छा बना रहेगा और उनको पेट में गैस और पेट से संबंधित बीमारियां भी तंग नहीं करेगी। जिन लोगों का बार बार जी कच्चा होता है, जी मिचलाता रहता है, उल्टी की शिकायत बार बार लगती है, ऐसे लोग अनारदाना 50 ग्राम, अजवैन 50 ग्राम, 50 ग्राम सेंधा नमक लेके सबको पीस के पाउडर बना लें और दिन में 3 से 4 बार चौथाई चम्मच पाउडर ताजे पानी के साथ लेना शुरू कर देंगे तो उनको जी मिचलाना व उल्टी की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। जिन लोगों को बार बार सिर में दर्द तंग करता है, खास तौर पे माइग्रेन का दर्द तंग करता है, ऐसे लोग अजवैन लाके उसे पीस के पाउडर बना ले। चौथाई चम्मच पाउडर मिट्टी के बर्तन में डाल के 1 कप पानी डाल के ऊपर ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें। सवेरे उठें उस पानी को छान के सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें तो बार बार होने वाला सिर दर्द से उनको छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग दस्त से बार बार परेशान होते हैं, कुछ भी खाते हैं उनको मल त्याग करने जाना पड़ता है, दिन में 3 से 4 बार दस्त के लिए जाना पड़ता है, ऐसे लोग अजवाइन को ला के पीस के पाउडर बना लें और चौथाई चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और आधा नींबू का रस मिला के और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के सुबह दोपहर शाम ये काढ़ा सुबह खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें और दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आमाशय आंतड़ियों में होने वाले इन्फेक्शन को ये दूर करता है, सूजन को दूर करता है, जिससे क्या होता है दस्त की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। जिन लड़कियों या महिलाओं को मासिक धर्म समय पे नहीं आता या कम आता है या बहुत 2 महीने 3 महीने बाद आता है, ऐसी लड़कियां या महिलाएं अजवाइन ला के पीस के पाउडर बना लें और उस पाउडर में 50 ग्राम अगर आपका पाउडर है तो 50 ग्राम गुड़ का पाउडर जिसे शक्कर कहा जाता है वो मिला के रख लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दें। ऐसा करने से उनको मासिक धर्म समय पे आएगा और खुल के आएगा और मासिक धर्म के समय उनको पेड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत से भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसा 1 महीने में 3 हफ्ते करें, जैसे मान के चलिए 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो 21 दिन इस दवा का इस्तेमाल करें, इससे उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जो लोग बार बार खांसी से परेशान हो जाते हैं, बलगमी खांसी, सूखी खांसी से परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोग सौंठ 20 ग्राम, हल्दी साबुत 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। चौथाई चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के उसे अच्छे से उबालें। उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें शहद मिला के चाय की तरह पीने से दोनों प्रकार की खांसी से छुटकारा मिल जाता है। जो बच्चे रात को सोते समय बिस्तर गीला कर देते हैं, ऐसे बच्चे के माता पिता को कहना चाहूँगा अजवाइन 50 ग्राम ला के उसको पीस के पाउडर बना लें, 50 ग्राम गुड़ का पाउडर जिसे हम शक्कर कहते हैं वो मिला के रख लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से बच्चे को देना शुरू कर दें। इसको देने से उनके मसाने बहुत ताकतवर हो जाएंगे और बिस्तर गीला करना वो की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। जो बार बार कान के दर्द से परेशान रहते हैं, कई कारणों से बार बार कान में दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कान के बहरापन बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा 20 ग्राम अजवाइन ला के और उसमें 80 ml के करीब सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से पकाएं। जब वो अच्छे से पक जाए नीचे उतार के ठंडा होने पर छान के किसी शीशी में, कंच की शीशी में डाल के रख लें और
जब भी सुबह शाम रुई डुबो के 2 से 3 बूंद कान में डालें। ऐसा करने से बार बार होने वाले कान के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा और कान दर्द की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो। जिन महिलाओं की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उन महिलाओं को कहना चाहूँगा कि 1/4 चम्मच पाउडर अजवाइन का लेके 1 कप पानी में डाल के उसे अच्छे से उबालें। जब 1/2 कप पानी रह जाए, उसे छान के उसमें स्वाद अनुसार गुड़ मिला के सुबह शाम खाना शुरू कर दे। इससे आपके बच्चेदानी की अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और आपके पेट पे चर्बी भी जमा नहीं होगी और शरीर का वजन भी नहीं बढ़ेगा। जो लोग मधुमेह से परेशान है, उनको शुगर जिसे डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा अजवैन ला के पीस के पाउडर बना लें। उस पाउडर को आपने क्या करना है, 1/4 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के और ढक्कन ढक के छोड़ दें। रोज़ाना आप रात को छोड़ दें, सुबह खाली पेट उस पानी को छान के पीना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, आपके अग्नाशय पे इसका प्रभाव पड़ेगा और आपका इंसुलिन जो है उचित मात्रा में बनेगा, जिससे शुगर आपका हमेशा पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति का है और कई खान पान उनका गलत होने के कारण, रहन सहन गलत होने के कारण उनका वात बढ़ जाता है और दोष में बदल जाता है, जिससे शरीर में कभी कहीं दर्द की शिकायत तंग करती है, ऐसे लोग अजवाइन ला के उसे पाउडर बना के रख लें। और उसमें क्या करना है, आपने 1/4 चम्मच पाउडर लेके 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। जब उबल उबल के पानी 1/2 कप रह जाए, उसे नीचे उतार के उसमें शहद या पुराना गुड़ दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के स्वाद अनुसार मिलाएं और उसे दिन में 2 बार लेना शुरू कर दें। खाना खाने के 1/2 घंटे बाद लेने से आपका जो बढ़ा हुआ वात दोष है ना, वापस वो संतुलित मात्रा में आके वात प्रकृति में बदल जाएगा और वो आपके शरीर में होने वाले जगह जगह दर्दों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिन पुरुषों को शीघ्र पतन व नामर्दी की शिकायत है, जब भी वो अपने साथी के साथ संभोगिक क्रिया करते हैं तो वीर्य का जल्दी संकलन हो जाता है और लिंग में तनाव नहीं रह पाता, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा अजवाइन ला के पीस के पाउडर बना लें, उसको 2 भागों में बांट दें, एक खाने के लिए और एक लेप करने के लिए। तो पहले खाने वाला बताया, तो 1/4 चम्मच पाउडर सुबह, 1/4 चम्मच पाउडर शाम को स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला के गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से 1/2 घंटा पहले लेना शुरू कर दें। इससे आपको शीघ्र पतन और नामर्दी की शिकायत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब जो आपके पास ये है लेप करने का, उस पाउडर को लेके किसी कटोरी में डाल के पानी की सहायता से लेप बना ले और लिंग के चारों ओर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसे गुनगुने पानी या ताजे पानी से धो दें। ऐसा करने से लिंग की नसों और मांसपेशियों को ताकत मिलेगी और हमेशा तनाव बना रहेगा। जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु नहीं बन पाता, उन पुरुषों को कहना चाहूँगा कि मिट्टी का एक बर्तन ला के उसमें अजवाइन ला के उसको पाउडर बना के रख लें। 1/4 चम्मच पाउडर उस मिट्टी के बर्तन में डाल के 1 कप पानी डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें। रात को छोड़ दें, सवेरे उठ के उसको ढक्कन को हटा के उस पानी को छान के सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। ऐसा कुछ समय लगातार लें और हर 1 महीने पे अपना टेस्ट करवाते रहें कि वीर्य में शुक्राणु की मात्रा कितनी बढ़ती चली जा रही है। बहुत जल्द शुक्राणु की पूर्ति हो जाती है और वो जितना संतुलित मात्रा में वीर्य के अंदर मौजूद रहने चाहिए उतनी मात्रा में मौजूद हो जाते हैं और जो शुक्राणु नील की समस्या है उसकी शिकायत दूर हो जाती है। अजवाइन के मैंने आपको इतने सारे फायदे बता दिए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। जिनको पेट में, आमाशय में और आंतड़ियों में जगह जगह अल्सर की शिकायत है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए अजवाइन का इस्तेमाल करना नुकसानदायक है। जो नाक से, मुंह से, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से जिनको खून आता है, ऐसे लोगों भी अजवाइन का इस्तेमाल मत करें। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति अजवाइन को डायरेक्ट ना खाएं, अजवाइन का काढ़ा ना इस्तेमाल करें। उनके लिए दूसरा तरीका मैंने बताया है कि मिट्टी के बर्तन में 1/4 चम्मच अजवाइन डाल के 1 कप पानी डाल के और ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें, सुबह उस पानी को छान के पिएं। कई लोगों को ये होता है कि ये हिम बोला जाता है, अजवाइन का हिम या अजवाइन का पानी बोला जाता है।
कई बार जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको अजवाइन का पानी भी सूट नहीं करता। तो ऐसे लोग जिनको सूट नहीं करता, ऐसे लोग अजवाइन का इस्तेमाल मत करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।